वेलकम डियर फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लॉक एलिमेंट्स व्हाट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एपलॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एप्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन की इनको डिफाइन करना है तो so, आपको अच्छे से पता है डेफिनेशन क्या हो जाएगी एब्लॉक एलिमेंट की दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल इज नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिपीट कर देता हूँ दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल इज नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अब यहां पर देखना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनका नेचर कैसा होता है तो आपको पता रखना इनका भी नेचर कैसा होता है मेटेलिक नेचर है इसके बाद में अपन बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आइए सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं। तो डिफ, देखो डेफिनेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या बनेगा दोज एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स इन विच दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटर्स इन, एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल एंटर्स इन एफ ऑर्बिटर्स इज नॉन एच इज नॉन एच एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज नॉन एच एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेकिन जहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा एफ ऑर्बिटल में आप उसी को क्या बोल दोगे आप ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दोगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इनका एन माइनस टू एफिन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एंड एन एस टू तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता F है एफ ब्लॉक एलिमेंट का याद रखना एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी 0 1 और ये है है इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के एलिमेंट का अब क्या बोलते हो आप पेनल्टीमेट सेल और इसके भी एक इनर वाले को मीनिंग एन माइनस टू को क्या बोलते हो आप इसको बोलते हो एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये तो कौन सा हो गया सेल ये कौन सा हो गया आपके पेनल्टीमेट सेल

एप ब्लॉक एलिमेंट्स इन एप ब्लॉक एलिमेंट्स द वैलेंस सेल दैलेंस सेल वैलेंस सेल के साथ कौन सा है पेनल्टी मेड सेल दैलेंस सेल पेनल्टी मेड सेल मेड सेल एंड एंटी पेनल्टीमेड सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल एंटी पेनल्टीमेट सेल पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तीनों के तीनों सेल कैसे है आपके इनकम्प्लीट सो एप ब्लॉक एलिमेंट्स सो एप ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉन एज आर ऑल्सो नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है कि ए ब्लॉक एलिमेंट आप इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हो क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट होतेमेंट आर ऑल्सो नॉन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्लियर है नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा जो भी आपके ए ब्लॉक एलिमेंट है सभी का नेचर क्या मेटेलिक है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट यही बनेगा ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मैटेलिक इन नेचर आर मैटेलिक इन नेचर मीनिंग इनका नेचर में कैसे होती है मेटेलिक होते हैं मेटेलिक का मीनिंग क्या हो गया यह कैसी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी इनमें डक्टिलिटी होगी मलेबिलिटी होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी हार्ड होंगे, रिजिड होंगे क्लियर है तो ये वाली जो आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रही है एलिमेंट्स की। एक बार लीजिए इनका। क्लियर है अब यहां पर अपन डिस्कस करेंगे इन एबलॉक एलिमेंट्स का जो जनरल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या होती है और इससे रिलेटेड कितने एलिमेंट कौन कौन से क्या उनकी पोजीशन है

प्लस थ्री होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो अपन डिस्कस करते हैं ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा द जनरल द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया मीनिंग जो भी आपके ब्लॉक आप एलिमेंट है उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस से थ्री होती है नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए अब यहाँ पर अपन टोटल एलिमेंट की बात करेंगे जो अपना एफ ब्लॉक उसमें कितने टोटल एलिमेंट है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ट्वेंटी एट ये भी ध्यान रखना टोटल एलिमेंट कितने एफ ब्लॉक एलिमेंट में ट्वेंटी

ये बिलोंग करेंगे आपके एक्टी से ये हो गए आपके एक्टी नाइट हो गए क्लियर है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में से आपके फोर्टीन एलिमेंट किसके आगे के? और फोर्टीन एलिमेंट किसके आगे एक्टी नाइट के ये ध्यान रखना है जो आपके लेंथ है ना इसको कौन से एलिमेंट भी बोलते हैं फोर एप सीरीज के एलिमेंट भी बोलते है। क्लियर है और जो आपके एक्टी इसको कौन से सीरीज के एलिमेंट बोलते फाइव एफ सीरीज के

वॉट इज द पोजिशन ऑफ द एब्लॉके एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर मैं जनरल बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में कि जो लेफ्ट साइड है उसको कौन फॉर्म करता है एस ब्लॉक राइट हैंड साइड को कौन आपके फॉर्म करता है आपके पी ब्लॉक मिड वाले पोर्शन को डी ब्लॉक और जो पीरियोडिक टेबल का जो बॉटम है वहाँ पर कौन एग्जिस्ट करता है आपके ब्लॉक के एलिमेंट तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा पोजिशन के अंदर एट द बोटम एट द बोटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एट द बोटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मीनिंग जो भी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके काम पर होते हैं बोटम में होते हैं क्लियर है एट द बोटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन टू होरिजोनटल इन टू Horizontal row. पर कितनी आपकी होरिजोनटल रो होती है टू होरिजोनटल रो के अंदर क्या होती है आपके एग्जिस्ट करती है कहां पर एडम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब अगर बात करें अपन मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ग्रुप होता है तो ये इंपॉर्टेंट है ये जो भी आपके पोजिशन बता रहा हूं मैं अब लोक एलिट के की पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो यहां पर देखो ग्रुप नंबर थर्ड के अंदर कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं तो ये ध्यान रखना आपको ग्रुप नंबर कौन सा होता है थर्ड होता है ग्रुप नंबर थ्री के अंदर आपके कौन एग्जिस्ट करता है एब लो के एलिमेंट और बात करते हैं अपन किसकी अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो ये लीजिए ये बात कर रहे हैं अपन पीरियड्स की तो कौन कौन से पीरियड्स के अंदर होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है सिक्स एंड सेवन सिक्स में तो होते हैं है आपके लेंथ एनड ये लिख देता हूँ मैं सिक्स पीरियड से तो बिलोंग कौन से करते हैं आपके लेंथ एलिमेंट्स और जो आपका सेवन्थ पीरियड होगा ये लीजिए सेवेंथ पीरियड से आपके बिलोंग करेंगे कौन से एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्लियर है लेकिन जो लेंथ है नाइट से वो बिलोंग करते हैं सिक्स पीरियड से और जो आपके है वो बिलोंग करते हैं आपके सेवन पीरियड से यहां पर एक इंपॉर्टेंट और बात बनती है कि यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया थर्ड हो गया अगर बात करते अपन मैंडेलिव की तो यहां पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है मैंडलीवेलिव पीरियोडिक टेबल अगर इसमें बात ग्रुप में कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपको ध्यान रखना थर्ड बी यहाँ पर कौन से में आएंगे थर्ड बी के अंदर आएंगे तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी क्या कभी, कभी कभार क्या करता है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में वहां पर पूछ लेता है कि जो मैंडली पीरियोडिकोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन दिनली पीरियोडिक टेबल तो ध्यान रखना कौन सा होता है आपके थर्ड बी वाला होता है अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो ग्रुप नंबर कौन सा होता है थ्री और देखो यहाँ पर पीरियड्स की बात तो के अंदर आता है कितना हो गया ट्वेंटी एट हो गया क्लियर है एक बार स्क्रीन लीजिए फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते यहाँ पर डेफिनेशन और बचती है अपने पास एक तो आता है आपके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्लियर है और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कौन से एटोमिक नंबर से स्टार्ट होता है और कौन से एटोमिक नंबर पर इनका एंडिंग होता है तो ये वाली बात भी आपको स्पेशल ध्यान रखनी होती है तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लेंथ एंड नाइटगी और उसके बाद में अपन बात करेंगे एक्टी नाइटगी नहीं कौन सा एलिमेंट तो स्टार्टिंग एलिमेंट है और कौन सा क्या आपका एंडिंग है? एलिमेंट है तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन लेंथ एन की जब भी बात करते हो आप ये लीजिए ध्यान रखना लेंथ ए नाइट एलिमेंट जो लेंथ ए है वो कहां से स्टार्ट होती है आपकी फिफ्टी एट से स्टार्ट होती है और एंडिंग कहां पर होती है सेवनटी वन पर तो आपको ये ध्यान रखना जो आपकी लेंथ ए नाइट है सीरियम से स्टार्ट होते जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फिफ्टी एट और एंडिंग होती है आपकी ल्यूटेशियम तक जिसका एटोमिक नंबर कितना होता है सेवनटी तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो भी आपके लेंथनाइट है स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा आपके सरियम है क्लियर है और एंडिंग एलिमेंट कौन सा आपके ल्यूटेशियम है जो आपके सरियम है इसका जो आपके एटॉमिक नंबर कितना है? 58 है और जो ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया सेवेंटी वन काउंट कर लीजिए कितना हो गया टोटल फोर्टीन एलिमेंट नेक्स्ट वाला पॉइंट किसी का बनेगा आपके एक्टिनाइट्स का तो ये लीजिए एक्टिनाइट अगर बात करें अपने एक्टिनाइट्स एलिमेंट की तो ये स्टार्ट होते हैं आपके थोरियम से टी एच क्या हो गया थोरियम इसका एटोमिक नंबर कितना होता है नाइनटी होता है क्लियर है नाइनटी से स्टार्ट होता है थोरियम से और एंडिंग यहाँ पर होता है लोरेंशियम एल आर पर एंडिंग होता है और इसका एटोमिक नंबर कितना होता है वन हंड्रेड थ्री होता है काउंट कर लीजिए नाइनटी से लेकर वन हंड्रेड थ्री कितने एलिमेंट हो गए फोर्टीन एलिमेंट तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो लेंथेनाइट एलिमेंट है वो सरियम से स्टार्ट हो रही है एंडिंग यहाँ पर हो रही है ल्यूटेशियम तक ठीक इसी टाइप से जो आपके एक्टिनाइट है उनकी स्टार्टिंग एलिमेंट तो कौन सा थोरियम जिसका एटोमिक नंबर कितना है नाइनटी और जो आपके एंडिंग एलिमेंट कौन से है लोरेंसियम जिसका एटोमिक नंबर कितना वन हंड्रेड थ्री होता है क्लियर है ये अपने देख लिया ओल एबलो के एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर ने क्लियर है अब दो पॉइंट और बचते एक तो बचता आपके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का एक बचता आपके ट्रांस्यूरेनिक एलिमेंट हो गया सेकेंड हो गया आपके लेंथ एन आइड तो देखिए नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है वैसे ट्वेल्थ क्लास के अंदर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हो ब्लॉक एलिमेंट में लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपन को इसका क्या देखना है केवल और केवल ओनली जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ के एलिमेंट तो यहाँ पर देखो क्या पॉइंट बनेगा अभी इसका लेंथ ए कॉन्ट्रेक्शन का तो देखो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर अब की बार अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में लेंथ ए नाइट कॉन्ट्रेक्शन लेंथ कॉन्ट्रेक्शन तो देखो आपको क्या ध्यान रखना का मीनिंग क्या है When we move left to right in lanthanide series, the atomic size of the the atomic size of the lanthanide and its trivalent cation is decrease. It is known as the lanthanide contraction. और यहाँ पर इसका जो reason क्या है? It is due to the poor shielding effect of 4f electron. Clear है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपन इसका इसको डिफाइन करेंगे lanthanide contraction। वो तो क्या बन जाएगा? द स्टडी डिक्रीज इन दी ड्रीज इन ये ध्यान रखना आपको एस टी ई ए डी वाई तो द स्टडी डिक्रीज इन द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द साइज ऑफ लेंथ नाइट साइज ऑफ लेंथे नाइट एंड इट्स एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटाइन एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटाइन ट्राईवेलेंट कैटाइन का मीनिंग क्या हो गया एम ए प्लस थ्री तो द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथ नाइट एंड इट्स ट्राइवेलेंट कैटाइन ड्यू टू ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट ड्यू टू पुअर शीलिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ ऑर्बिटल ड्यू टू फोर एफ ऑर्बिटल इज नॉन एज मीनिंग क्या हो गया देखो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेनाइल एंड इट्स अ ट्राइवेलेंट कैटाइन एम प्लस थ्री ड्यू टू पोअर शीलिंग इफेक्ट ऑफर एप ऑर्बिटल इन ए पीरियड इन ए पीरियड इट इज नॉन एज इट इज नॉन एज इट इज नॉन एज लेंथ एंड नाइट कॉन्ट्रैक्शन इट इज नॉन एज लेंथ ए नाइट कॉन्ट्रेक्शन और आप इसी को क्या बोलते हो लेंथ एन नाइट कॉन्ट्रेक्शन बोलते हो क्लियर है और आपको एक बात और ध्यान रखने रखना में कौन सा इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है दो इफेक्ट होता है आपके साइज में एक तो होता है आपके जेड इफेक्ट क्लियर है और सेकंड वाला होता है आपके सील्डिंग इफेक्ट तो जो भी आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन होगा इसमें इफेक्टिव कौन होगा डोमिनेट कौन करेगा तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा किसके ऊपर आपके सील्डिंग इफेक्ट पर तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा इन लैंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन इन लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन इन लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इज डोमिनेट जेड इफेक्टिव इज डोमिनेट ओवर सिल्डिंग इफेक्ट ओवर सील्डिंग इफेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका ये आपको लेंथ एन आइड कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है ना तो इसका जो लॉजिक क्या है तो इसका रीजन क्या है तो यहाँ पर एक बात है जो, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेट ओवर सील्डिंग इफेक्ट यानी जो भी शील्डिंग इफेक्ट है वहां पर आपके डोमिनेट कर जाता है कौन आपके जेड इफेक्टिव इसलिए क्या होता है लेंथ एंड आइड कॉन्ट्रेक्शन होता है क्लियर है नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो ये तो हो गया आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन हो गया अब इसके बाद में देखो जो यहाँ पर लेंथेनाइड है ना इसके अंदर जितने भी लेंथेनाइड है वो क्या होते हैं आपके नेचुरल अकरिंग मेटल्स होते हैं क्लियर है लेकिन जो भी आपके एक्टिनाइड है वो मैक्सिमम कैसे होते हैं आपके आर्टिफिशियल होते हैं तो आपको ये वाला बात भी ध्यान रखनी है और आपके जो लेंथेनाइड का एकमात्र ओनली वन एलिमेंट कौन सा प्रोमिथियम जो कौन से नेचर का होता है आपके रेडियो एक्टिव नेचर का तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा नेक्स्ट वाला भी स्टार लगाकर इसको मेंशन कर रहा हूँ पॉइंट क्या बनेगा ओनली ओनली प्रोमीथियम पीएम का मीनिंग क्या है यहां पर प्रोमीथियम ओनली लिख देता हूं मैं ओनली प्रोमीथियम ओनली प्रोमीथियम लेंथेनाइड लेंथेनाइड इज रेडियो एक्टिव इन नेचर इज रेडियो एक्टिव इन नेचर इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर तो ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट बन जाता है क्यों क्योंकि जितने भी आपके कितने टोटल एलिमेंट है, है और इन फोर्टीन एलिमेंट से केवल कौन सा प्रोमीथियम पीएम वाला इसी का नेचर क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है लेट में बाकी के जो आपके थर्टीन एलिमेंट है रिमेनिंग उनका नेचर आपके रेडियो एक्टिव नहीं होता है तो ये इंपोर्टेंट है कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है विच एलिमेंट्स ऑफ लेंथ इज एग्जिस्ट इन द रेडियो एक्टिव नेचर तो आपको ये ध्यान रखना है रेडियो एक्टिव नेचर की जब जब बात आती है किसमें लेंथ एनाइट सीरीज में एलिमेंट कौन सा प्रोमीथियम मीनिंग कौन सा है पीएम वाला एलिमेंट है ये केवल कौन से नेचर का होता है आपके रेडियो एक्टिव नेचर का होता है क्लियर है एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए इसका अब देखो दो पॉइंट और डिस्कस करना है अपन को ट्रांस यूरिक एलिमेंट क्या होता है और साथ में कौन से एलिमेंट की केमिस्ट्री क्या होती है डिफिकल्ट है मीनिंग आपके लेंथ इनाइड एलिमेंट है इनकी अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं अदरवाइज ये आपके एक्टिनाइड एलिमेंट की इजीली स्टडी कर सकते हैं तो दोनों का कंपैरिजन करना है अपन को क्लियर है और साथ में अपन को देखना है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट तो आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है मेरा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट तो आइए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट को देखते हैं ये लीजिए में मेंशन कर देता हूं ट्रांस यूरेनिक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स अब देखो आपको यहां पर ध्यान ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा जो भी आपके एक्टिनाइट सीरीज में यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर सो दीज एलिमेंट्स ऑल्सो नॉन एज द निक एलिमेंट मीनिंग यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी क्या है आर्टिफिशियल है और साथ में उनका नेचर कैसा उनका नेचर है साथ में कौन सा नेचर है आपके रेडियो एक्टिव नेचर का तो आप उसी को क्या बोल देते हो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की क्या बन जाएगी देखो यहाँ पर आफ्टर यूरेनियम आफ्टर यूरेनियम ये एलिमेंट ध्यान रखना है इसके बाद वाले एलिमेंट ही होंगे आफ्टर uranium. After uranium all actinides all actinides after uranium all actinides are artificial are artificial and radioactive in nature and radio एक्टिव इन नेचर रेडियो एक्टिव इन नेचर तो ये आपको ध्यान रखना कि यूरेनियम के बाद में जितने भी आपके कौन से एक्टिनाइट आते हैं वो क्या होते हैं और सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके एक्टिनाइट आर आर्टिफिशियल पहली बार और साथ में कौन से नेचर के रेडियो एक्टिव इन नेचर सो दीज एलिमेंट सो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉन एज आर ऑल्सो नॉन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स तो आपको ध्यान रखना इसीलिए इन एलिमेंट्स को अपन कौन सा एलिमेंट बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लेकिन ये ध्यान रखना है यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है। उनका नेचर ही कैसा होता है आर्टिफिशियल है इनको मनुष्य के द्वारा बनाए गए ह्यूमन के थ्रू और साथ में कौन से नेचर के आपके रेडियो एक्टिव नेचर के ये भी ध्यान रखना साथ में नेचर कौन सा रेडियो एक्टिव नेचर है नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो अब देखो अपन ने देखा था कि लेंथ में तो केवल एक ही एलिमेंट था जो कौन से नेचर का था रेडियो एक्टिव और उस एलिमेंट का नाम क्या था प्रोमीथियम लेकिन जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट ऑल आर क्या रेडियो एक्टिव नेचर तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा एक्टिनाइट्स आर एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर रेडियो एक्टिव इन नेचर मीनिंग जितने भी आपके है, उनका नेचर कैसा होगा रेडियो एक्टिव नेचर का रेडियो एक्टिव नेचर का मीनिंग क्या होता है स्पॉन्टेनियस डी के मीनिंग नेचर में उनका ऑटोमेटिक क्या होता रहता है डीकम्पोजिशन या फिर इसको डी के होता रहता है तो स्पॉन्टेनियस डी के होता रहता है तो इसको अपन कौन से प्रॉपर्टी बोलते हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर क्लियर है लास्ट पॉइंट बचेगा देखो एक तो आपके लेंथ हो गये, एक गया एक हो गया एक्टिनाइड अगर इन दोनों की केमिस्ट्री की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिनाइड है ना इसकी केमिस्ट्री क्या होती है थोड़ी सी टफ होती है क्यों क्योंकि ये एक तो पहली बात तो आर्टिफिशियल और कैसी है रेडियो एक्टिव नेचर जब अपन इनकी स्टडी करने जाएंगे तो पता चलेगा वो एलिमेंट तो है नहीं उसका क्या हो गया डी हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिनाइड है ना इनकी केमिस्ट्री क्या होती है डिफिकल्ट होती है किसके कंपेरिजन में लेंथ के कंपेरिजन में तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा the chemistry of the chemistry of actinides the chemistry of actinides are more difficult more difficult the chemistry of actinides are more difficult compared to So, कि किसकी केमिस्ट्री आपके टफ होती है तो ये वाला ध्यान रख लेना है तो द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट आर मोर डिफिकल्ट कम्पेयर टू देंथ ऐसा क्यों होता है रीजन मैंने बता दिया क्यों क्योंकि एक्टिनाइट एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर तो यही रीजन है जिसके कारण आपकी एक्टिनाइट की केमिस्ट्री क्या होती है टफ होती है मीनिंग डिफिकल्ट होती है लास्ट वाला पॉइंट देखो दोनों के दोनों क्या करते हैं वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और साथ में किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स का तो लास्ट पॉइंट क्या बनेगा इस आज वाले लेक्चर का लास्ट पॉइंट देखिए क्या बन जाएगा द ए ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोज राइबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और साथ में किसका फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जितने भी आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या शो करते हैं पहली बात हो वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते मीनिंग नेसेसरी नहीं है प्लस थ्री हो प्लस फोर भी शो कर सकते प्लस टू भी शो कर सकते हैं क्लियर है और साथ में किसका फॉर्मेशन करते कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनके ऊपर जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर आकर आज अपन ने कवर कर लिया जो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फोर जो अपने ब्लॉक पढ़े थे एस ब्लॉक था पी ब्लॉक था डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक क्लियर है तो यहाँ पर आकर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड थैंक यू